हेलो एंड वेलकम बैक टू मिस्टर एंड्रॉइड गेमिंग और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम किस गेम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बाहुबली के बारे में बात करेंगे, बाहुबली द गेम, जो ये गेम है जिन्होंने तीन पत्ती गेम बनाई है उन्होंने ही बनाई है। तो ये गेम ऑलरेडी चार लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और तमिल। तो ऐसा क्या खास है इस गेम में? तो इस गेम में ये खास है कि ये जो गेम है ये 100% क्लैश ऑफ क्लैन का कॉपी है। मतलब इसका पूरा गेम प्ले क्लैश ऑफ क्लैन जैसा है। और इसमें आप देखोगे कि जो प्लेयर है, जैसे कि बारबेरियंस थे उनकी जगह पे इन्होंने दिए हैं तलवारबाज, आर्चर्स है और एलिफेंट है, बहुत सारे मतलब इंडियन टाइप कैरेक्टर दिए हुए हैं इन लोगों ने। और अगर हीरोज़ की बात करें, सुपर हीरोज़ की बात करें, तो कटप्पा है, वॉर लाइब्रेरी वो कुछ जादू वाला होगा, इसमें बल्लाल देव और बाहुबली को भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम क्लैश ऑफ क्लैन में किंग और क्वीन को लेते हैं। तो आप अगर मेरे गेम प्ले में आगे देखोगे तो मैंने कटप्पा लिया हुआ है और वो अभी लेवल 2 का है और मैं उसे अपग्रेड करूँगा आगे। तो गेम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है साजी, जिसने, अगर आप पबजी के लवर हो जो पबजी लाइव स्ट्रीम या पबजी के गेम प्ले देखना पसंद करते हो, तो मेरा जो दोस्त है उसने हंटर साजिद करके एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अगर पबजी देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अपने चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इंडियन गेम्स और जो भी नए नए एंड्रॉयड गेम हैं आपको यहीं पर देखने मिलेंगे और आप ये जो गेम है इनका मज़ा यहीं पे ले पाएंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते और शुरू कर देते हैं आज का गेम। तो अभी मैंने डाउनलोड करने के बाद में इस गेम को ओपन किया है। तो आपने चार लैंग्वेज ऑप्शन देखे होंगे, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु तमिल। तो अपन पहले हिंदी देखते हैं हिंदी कैसा है। तो अगर आप हिंदी देखोगे तो सारा मेनू और सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे जो न्यू दिख रहा है नया, इसको क्लिक करते हो तो ये क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे क्लैन हाउस क्रिएट करना है, फिर क्लैन बना के ज्वाइन करके क्लैन वॉर कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सेकेंड ऑप्शन जो अपन आर्मी वगैरह जो क्रिएट करते हैं वो आर्मी अरेंजमेंट है। थर्ड में आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो कालीकेय का युद्ध क्षेत्र है, तो कालीकेय के मिशन से एंड में आपको कालीकेय को मारना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो मल्टी प्लेयर्स के साथ हम लोग खेल सकते हैं, जैसे कि अपने लेवल का जो भी बंदा है उसके साथ में हम फाइट ले सकते हैं। तो आप करते हैं गेम प्ले शुरू। गेम प्ले शुरू करने के लिए मैंने इसको फेसबुक से लॉग इन किया है, तो 100 जेम्स फ्री मिलते हैं। तो ये जो है हमको कटप्पा सारी गेम की इंफॉर्मेशन देगा कि गेम को कैसे करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कटप्पा जो है वो स्टार्टिंग में हमको फ्री दिया हुआ है। तो जैसे कि अपन क्लैश ऑफ क्लैन में किंग खरीदना पड़ता है पहला वाला, तो इसमें ऑलरेडी है। तो फर्स्ट हम ट्रायल बेसिस पे हमारे पास में कटप्पा है तो उसको अटैक के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो है उनका टाउन हॉल है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये हो चुका है अपना गेम और हम लोग ने 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो बाकी सब चीज़ें आप देखोगे कि एक्स्ट्रा डायमंड्स मिशंस के बाद मिलते हैं। तो इस क्लैश ऑफ क्लैन की तरह इसमें डायमंड्स के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। और दो चीज़ें जैसे कि गोल्ड और दूसरा जो एक्साइलर होता है वो इसमें वो नहीं है, इसमें है अनाज, तो बाकी चीज़ें अनाज से बनती है। तो जो भी सब कुछ चीज़ें जो क्लैश ऑफ क्लैन में है वही चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि मैं अभी आर्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ और बारबेरियंस भी क्रिएट कर देता हूँ। तो इसको इंस्टेंट करने के लिए फ्री डायमंड्स है तो मैंने इंस्टेंट क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमको करना है नेक्स्ट अटैक। तो इसके पहले मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे कि आप देखोगे अदर रिसोर्सेज, जिससे गोल्ड आएगा, गोल्ड माइन है और ये
सब सारी चीज़ें हैं सेम एज इट इज, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन में है। अभी ये जो है हमारा कटप्पा, ये कितना एरिया कवर करेगा अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो इसका ग्राफिक बहुत अच्छी की तरह से बना है। जैसे इसका शॉप आप देखोगे, जितनी चीज़ें जैसे कि जिस तरीके से क्लैन शॉप, क्लैन का जो शॉप था सेम एग्जैक्टली वैसा ही शॉप है, सेम उतनी चीज़ें हैं, वैसी ही चीज़ें, बस अलग तरीके से इंडियन स्टाइल में इन्होंने रिप्रेजेंट की। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे मैंने सुपर हीरोज़ के बारे में कहा था वो है, वैसे ही रिसोर्सेस है। जिसके अभी यहाँ पे आर्चर टावर है, आर्चर टावर को यहाँ लगा देते हैं, जैसे कि आप पे अटैक होगा तो डिफेंस की ज़रूरत होगी। तो डिफेंस में भी बहुत सारी चीज़ें आप शॉप में अगर देखोगे तो, बट यूनिक तरह की है, इंडियन स्टाइल की है। गार्ड पोस्ट है, गार्ड पोस्ट अगर हम लोग लेते हैं तो गार्ड पोस्ट के साथ कि उसमें से 10 आर्चर्स बाहर निकलेंगे, अगर अपने पे अटैक होगा तो वो डिफेंड करेंगे अपना जो जो क्लैन है, मतलब अपना जो एरिया है उसको डिफेंड करेंगे। बाकी बहुत सारे ट्रैप्स है, जैसे कोबरा ट्रैप भी है जिसमें से सांप वगैरह कुछ निकलता होगा। चलो नेक्स्ट अटैक करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अटैक के लिए हमारे पास में अभी बहुत ज़्यादा आर्मी है बड़ी, जैसे कि बारबेरियंस तलवारबाज है, आर्चरर्स है और कटप्पा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा अवेलेबल लूट कितनी है, उनके पास में कितना अनाज है कितना लूट सकते हैं, और कितना सोना है कितना गोल्ड है वो लूट सकते हैं। ये देख के आपको सेम एग्जैक्टली क्लैश ऑफ क्लैन वाला ही फील आ रहा होगा, तो ये गेम एग्जैक्टली क्लैश ऑफ क्लैन की तरह ही है। अभी मैंने कटप्पा को छोड़ दिया है, तो उसके गार्ड पोस्ट में से दो लोग निकले हैं। देखो क्लैश ऑफ क्लैन बहुत अच्छा गेम था, तो उसी तरह बना है ये गेम, बट क्या है एक फील होता है ना जो अपने इंडियन कैरेक्टर्स है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी कैरेक्टर होगा तो और थोड़ा मजा आता है। मैंने अपग्रेड करने के बाद में देखो अभी हाथी लिया है, तो दो हाथी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं कि उसकी वजह से मैं आर्चरर्स और बारबेरियन नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि हाथी एक ही ले लेता हूँ। तो अब मेरे टीम में हाथी है, तो हाथी के साथ में हम लोग नेक्स्ट अटैक करके देखते हैं। तो एज यूजुअल हम लोग जैसे अटैक करते हैं वैसा ही करते हैं, पहले बारबेरियंस को छोड़ते हैं कहीं से। वही जो क्लैश ऑफ क्लैन की आदत है, तलवार बाद है उनको मैं बारबेरियन बता रहा हूँ। तो आर्चरर्स को मैंने छोड़ दिया है, हाथी को भी छोड़ दिया है और कटप्पा को भी छोड़ दिया। तो हम लोग हाथी पे नजर रखेंगे, हाथी कैसे टक्कर मार के तोड़ता है सारी चीजें, क्योंकि ये चीज यूनिक है, ये अलग है, क्लैश ऑफ क्लैन ऐसी नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं हाथी बढ़ रहा है और सोने की हांडी की तरफ, नहीं आर्चर टावर की तरफ जा रहा है, तो आर्चर टावर को टकरा रहा है। थोड़ा हाथी स्लो है, बाकी उससे पहले कटप्पा ने जाके तोड़ दिया है वो चीज़। या तो ये हाथी टक्कर दे रहा है बट ये कटप्पा ने लेके तोड़ दिया। ये भी मैच हम लोग जीत गए हैं। तभी आप लोगों को मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ गेम की, जैसे बाकी जो है देखने लायक। जैसे आप लोगों को ये गेम के बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्लैश ऑफ क्लैन खेल चुके हो, और क्लैश ऑफ क्लैन में जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी वैसे ही इसमें भी है। तो अब हम अपना पैलेस अपग्रेड करते हैं, जिसको टाउन हॉल कहते हैं क्लैश ऑफ क्लैन में। तो वो अपग्रेड इंस्टेंटली हो चुका है, मेरा लेवल 3 पे गया है,
मुझे उसको अपग्रेड करने के बाद में बहुत सारे डायमंड्स वापस मिल चुके हैं, तो वो उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पे शो भी करोगे तो दिखाएगा कि आगे अगला आपको करना क्या है। तो मैंने मेरा आर्मी कैंप जो है उसको अपग्रेड किया है, तो मेरा ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ जाता है थोड़ा और, मतलब मेरा आर्मी का साइज बढ़ गया है। तो बाकी जो रिसोर्सेज कलेक्टर है उनको भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, किसी गोल्ड माइन है, खेत है अनाज के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो एम्बेसी है, एम्बेसी किस लिए होता है, यहाँ पे देखो एंट्रेंस कितना बड़ा दिया हुआ है, तो एम्बेसी होता है क्लैन के लिए। तो यहाँ पे झरना है, तो साइड में बहुत अच्छी तरह से ग्राफिक किया है। यहाँ पे हमारा जो महेशमती साम्राज्य है वो दिख रहा है, यहाँ पे अगेन पानी है, तो ये महेशमती का गेट है। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल चैट और जो अपना इंटरनल चैट होता है, जैसे जिस तरीके से हम लोग क्लैश ऑफ क्लैन में करते थे सेम उसी तरीका का है। और उसके अलावा आप लोग इसको ऑनलाइन जैसे किस से फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो, गूगल से कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से सेटिंग से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। और बस इतना ही है, और आप देखते हैं जो रिसोर्सेस है वो सारी चीज़ें आप लोग खरीदते हैं जितनी ले सके। तो एक और मैंने आर्मी कैंप खरीद लिया है, तो मैंने इसको डायमंड 35 डायमंड से खरीद लिया है क्योंकि बिल्डर बिजी था मेरा। तो सारी चीज़ें अभी मैं रैंडमली कहीं पे भी रख रहा हूँ, और ना मैंने वॉल भी सेट किया है साइड से, जिस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्लैश ऑफ क्लैन में करते हैं वैसे मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जस्ट गेम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो इसको प्लेस कर देते हैं, देखते हैं कितनी चीज़ें हम लोग टाउन हॉल 3 में खरीद सकते हैं, मतलब पैलेस 3 हो गया है अपना भी। तो यार इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे गेमर्स जो होते हैं, जैसे कि गेम बनाने डेवलपर्स होते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। पर हमारे इंडियन लोग जो है, इंडियन डेवलपर्स हैं, वो भी बहुत अच्छी अच्छी गेम्स बनाते हैं। जैसे मैंने कहा था कोबरा ट्रैप आपने देखा अभी, तो मैं कह रहा था कि जो इंडियन डेवलपर्स हैं उनको भी सपोर्ट करो। जैसे कि ये गेम भी इतना अच्छा है, हम लोग इस पर खेलेंगे, तो इसके ऊपर अगर अपना प्लेयर बेस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा प्लेयर इसके ऊपर एक्टिव रहेंगे, तो इन लोगों को भी फ़ायदा होगा, इंडियन जो डेवलपर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने कहा था बाहुबली भल्लाल देव, इनको भी हम ले सकते हैं। जैसे भल्लाल देव है पैलेस 6 होने के बाद में, और बाहुबली पैलेस 8 के बाद है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देख रहा था जो शील्ड होता है, जैसे अपना क्या क्लैश ऑफ क्लैन में है वो भी है इसमें, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, 2 दिन का 1 दिन का 1 वीक का शील्ड भी आप लगा सकते हो। तो मैं अभी ये जो भी चीज़ें हैं वो छोटी मोटी चीज़ें अपग्रेड कर देता हूँ। तो इसमें भी साइड में आपको दिख रहा होगा कि पेड़ है, स्टोन है, उनको भी कम करना है, उनको भी घटाना है। तो जैसे जैसे अपना प्लेस बढ़ेगा, पैलेस बढ़ेगा, उस तरीके से हम लोग इस पर। तो ये जो अपना कटाप्पा है मेरा, जो लेवल 2 का बन चुका है अब, तो उसको भी मैंने अपग्रेड कर दिया है, कटाप्पा रेडी है वॉर के लिए। तो मैं अभी जाते जाते एक और फाइट लेते हैं हम लोग। तो इस बार हम लोग फाइट जो है डायरेक्टली इससे लेंगे, मल्टीप्लेयर लेंगे ऑनलाइन प्लेयर के साथ। तो मैं फ्री डायमंड में जितने लोग आते हैं उनको उतने को ही लूंगा। तो इतने लोग आ गए हैं, तभी अटैक करने के लिए 95 चाहिए गोल्ड और मेरे पास नहीं है, तो मैं एक डायमंड देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे आप इस बंदे का देख रहे होंगे पैलेस और वगैरह
ये सब ज़्यादा अपग्रेड है मुझसे, मे बी मेरा टीम यहाँ पे टिक नहीं पाएगा और फिर भी हम लोग अटैक करते हैं। तो मेरा मोटिव है उसको, उसका जो कटप्पा है उसका कटप्पा को पहले मार दे, तो अपना कटप्पा भी आ गया है। तो ये जो ऑनलाइन प्लेयर गाली है ये ऑलरेडी किसी क्लैन में भी है, तो इसके साथ हम लोग लड़ रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी तरह से अपग्रेडेड है इसका सब कुछ, मतलब इतना अच्छी तरह से नहीं, बट हमने आज ही शुरू किया है ये, तो थोड़ा बहुत हमारा कम है। हमारे जो बाजेरी से लेवल वन के हैं, आर्चर लेवल वन के हैं, कटप्पा लेवल टू का है, तो अभी भी कटप्पा टिका हुआ है हमारा, बट ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसका डिफेंस जो है और उसका आर्चर टावर और जो लोग आर्चर और बारबेरियन बार बार आ रहे हैं तो वो कटप्पा को मार सकते हैं। तो थोड़ा यूनिक इन्होंने करने की कोशिश तो की है, बट गेम बिल्कुल भी क्लैश ऑफ क्लैन की, बिल्कुल एकदम क्लैश ऑफ क्लैन की तरह है। तो ये गेम हम हार चुके हैं, तो यही है गाइस, ये गेम में इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। तो होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और ये गेम भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक दो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और किसी दोस्त को आप ये गेम दिखाना चाहते हो तो ये वीडियो सिंपली शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।